नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नया कपल आज हमारे बीच है। सबसे पहले मैं इनका परिचय आपसे कराता हूं, उससे भी पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा यूट्यूब पर केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, और आपका क्या नाम है? प्रणव। प्रणव, प्रणव कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ सर, जयपुर में रहता हूँ, सीकर का रहने वाला हूँ। मतलब सीकर मेरा गांव है और जयपुर में रहता हूँ। ओके, सीकर राजस्थान से हो। और आप कहाँ से हो? मैं सर नागौर से हूँ, जयपुर से। नागौर से है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट नागौर है। दोनों ही राजस्थान से आए हैं। बिल्कुल सर। तो बेटा, सबसे पहली बात, ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं आपका यूट्यूब के लिए, इसमें आपकी मर्जी है? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं इनकी मर्जी हो आपकी? नो, नहीं नहीं सर, दोनों की मर्जी है। इसको YouTube पर पब्लिश कर दें, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की आपको। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे कपल्स जो हमारे वीडियोस देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी उनको हेल्प होगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, पर आपको जो रियल एक्सपीरियंस है वही शेयर करना है हमारे बारे में। कोई भी आपको अपनी तरफ से बढ़ा करके कोई बात नहीं कहनी, ठीक है ना? जो मैं आपसे पूछता हूँ उसका रियल हो वही बताना है आपको। पहली चीज़, आपने कितने दिन पहले हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे? काफी टाइम सर हो गए, मतलब 16 डे, आराम से 15-16 दिन, है ना? 16 दिन पहले आपने हमें डॉक्यूमेंट दे दिए। इस बीच किसी तरह का कोई नोटिस या पुलिस द्वारा कोई इंक्वायरी तो नहीं हुई आपके यहाँ? बिल्कुल भी नहीं सर, दोनों के यहाँ किसी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई। तो हम यहाँ निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो मैरिज कराई जाती है वो विदाउट नोटिस, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कराई जाती है, 100% सिक्योर जी। दूसरी चीज, आपको हमने टाइम कितना बोला था कि कितने टाइम में मैरिज हो जाएगी आपकी? 2 से 3 घंटे सर। 2 से 3 घंटे, तो इन्हीं 3 घंटों के अंदर आपके दोनों सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिए गए? बिल्कुल सर। आप पूजा, जो भी लड़कियां यहाँ आती हैं, जनरली हम सबसे ये जानना चाहते हैं कि भाई उन पर कोई किसी तरह प्रेशर तो नहीं है, किसी दबाव में तो नहीं बैठे हैं, तो आपसे भी हमने जाना था। हाँ सर। तो आपने क्या बताया था? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सर, मैं अपनी मर्जी से आई। आप अपनी मर्जी से आए हो, ऐसा तो नहीं है दबाव बनाया हो इन्होंने आपके, प्रणव ने आपके ऊपर? अपनी मर्जी से। तो प्रणव को क्यों आप लाइक करते हैं? क्योंकि सर मुझे पता है ना मेरे लिए कौन बेस्ट है कौन नहीं है, मैं इनको 2 साल से जानती हूँ। अच्छा, तो आप कहीं अलग भी यदि शादी होती तो उसमें आप कुछ नहीं थे? नहीं। अच्छा, प्रणव आपने पूजा को ही क्यों पसंद किया? सर काफी अच्छी लड़की है, मतलब मेरे मतलब बता नहीं सकता सर, थोड़ा ये पर्सनल है। अच्छा, जैसे मतलब घर वाले कहीं चल जाते थे तो, बट मतलब ये मेरा ख्याल एक जो मदर की तरह नहीं होती वैसे ख्याल रखती थी, मतलब गांव चल जाते थे अक्सर जाना होता था, तो मतलब हर चीज का मेरे को जैसे कुछ भी जरूरत पड़े मतलब खाने की या कुछ भी तो ये मतलब पूरा देखभाल करती थी। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लगते। तो आप दोनों साथ साथ रहते थे क्या? जैसे सर इनका घर सामने था और मेरा घर साइड में था। अच्छा, जयपुर में ही रहते थे आप? पड़ोसी। ओके, अड़ोसी पड़ोसी थे। ठीक, तो आप वहाँ दोनों ही रेंटेड थे? नहीं, इनका खुद का है और मैं रेंटेड था। आप रेंटेड थे, तो वहाँ से फिर आपके बीच दूरियाँ जो है वो कम हुई, एक दूसरे के नजदीक आए। जाति आप दोनों की एक है, अलग अलग है? अलग अलग है सर, अलग अलग है। तो परिवार क्यों राजी नहीं हुआ पूजा का? कास्ट का भी मैटर है या कुछ और बात है? सबसे बड़ा तो सर, अच्छा, और ना मैंने अपने फैमिली से कभी बोला, बस हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला था थोड़ा, बाकी कभी ऐसा शादी वादी के लिए उनसे कोई डिस्कस नहीं हुआ। ओके, शादी के खिलाफ थे सर शुरू से, मतलब लड़का वो धमकियां देता था पता नहीं क्या, और कास्ट के लिए ज्यादा था थोड़ा। अच्छा, कास्ट के लिए ज्यादा था, मतलब राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यहाँ कास्ट है भी ज्यादा है थोड़ा सा। तो आपको तो कास्ट का कोई मैटर नहीं है? मेरे को नहीं है सर, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट है वो जो हमारे कानून है वो ये मानता है कि भाई आप दोनों बालिग हैं, आप चाहे किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, और एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे ये जो प्रोसेस हुआ है हमारा मैरिज का, तो यहाँ पर और भी कई सारे कपल थे कि आपके साथ शादी हुई है उसमें? बिल्कुल सर, कितने सारे कपल थे? काफी सारे कपल थे, लगभग गिनती में हम जाने तो कितने देखे सर? तकरीबन होंगे सर कम से कम 7-8 कपल थे। तो 7-8 कपल होने के बाद आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई हम यहाँ आ गए कहीं हमारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर,
नहीं सर, बिल्कुल मतलब विश्वास था हमें। जो हमारी टीम है वो ठीक से आपको कोऑपरेट कर रही थी? बिल्कुल सर। जो भी आपके प्रोसेस हुए हैं, चाहे संस्थागत सर्टिफिकेट है, चाहे आपका लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट करना है, वहाँ हमारे जो लोग हैं वो आपके साथ थे। बिल्कुल सर, लगातार आपको गाइड करते रहे। बिल्कुल सर। कहीं पर भी ऐसा फील हुआ हो कि जी इन्होंने तो काम बता के हमें अकेला छोड़ दिया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल साथ थे आपकी जो भी टीम है, टीम के वर्कर मतलब पूरा सपोर्ट। आने से पहले बिल्कुल, जब आप मैरिज के बारे में प्लानिंग कर रहे होगे दोनों और सोच रहे होगे, उस समय आपको कहीं ना कहीं इस तरह का डाउट होगा भी जाएंगे किस तरह प्रोसेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, नहीं, नहीं सर बिल्कुल, मैंने बताया था ना जैसे कि मैं पहले आ चुका था मीटिंग के लिए। हाँ, मीटिंग के लिए आके मैं देखा था, देखने के बाद ही मैंने ये डिसीजन किया था सर जी। और बिल्कुल मेरे को विश्वास था 100% में से 100%। हाँ, क्योंकि आपने सारी चीजें यहाँ पर देख ली थी मैंने। जब कोई मीटिंग करने आ जाता है तो उसकी सिचुएशन दूसरी हो जाती है, वो देख जाता है भाई ऑलरेडी यहाँ शादियां हो रही है या ये लोग शादियां करा रहे हैं, तो उस तरह से अलग चीज हो जाती है। तो आपको उत्तर आते हुए कोई डर नहीं था? नहीं सर बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि हमने आपको फीस पहले ही बता दी थी? बिल्कुल सर, आने से पहले ही जो भी खर्चे यहाँ हुए हैं एक एक खर्चे आपका सारा बता दिया था? हाँ सर बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं आने के बाद कुछ खर्चे और बढ़ाए? नहीं नहीं सर। अच्छा, शादी करने के बाद आप दोनों खुश हैं? बहुत ज्यादा सर। पर्सनल क्वेरी क्वेश्चन कुछ आपका कुछ जानना चाहते हो आप मेरे से? सर बस ये है कि कल की मतलब हमारे दिक्कत मतलब थोड़ा आपस परिवार राजी नहीं, परिवार राजी नहीं है और तो दिक्कत ना हो जाए बस ये। उस तरह से उधर से कोई आप हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना खड़ी, परेशानी ना खड़ी करते। देखिए ऐसा है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपकी मैरिज जो हुई है वो पूरी तरह से लीगल है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑनलाइन भी है, आप दोनों की मर्जी के बिना कोई भी कैसे भी इसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो इसकी तरफ से तो आप कंफर्म रहिए, बाकी आप दोनों जो भी आपका डिसीजन है आप उस पर कंफर्म रहे तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? और यदि आपको कहीं लगता है कोई समस्या है तो आप उसके लिए प्रशासन की मदद ले सकते हैं, हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ भी यदि आप जानना चाहते हैं कोई किसी तरह समस्या है तो उसके कई सारे रास्ते हैं वो भी आपको बताए जाए। चलिए, तो दोनों को बहुत बहुत बधाई। एक बार ये वीडियो में सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, ये संस्थागत सर्टिफिकेट है जो संस्था द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया, दूसरा ये सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, आपको ये जो सर्टिफिकेट दिया बायोमेट्रिक वगैरह हुए थे आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में गए थे वहाँ? यस सर। ठीक है ना, उसके बाद ये दिया है, ये ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पर है, इन दोनों सर्टिफिकेट के बेस पर आप लीगली पति पत्नी हो, दोनों को बहुत बहुत बताइए। थैंक यू सर। ओके।